हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर किया था बेटा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और आज मैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, विच इज द मैट्रिक्स गिवन टू अस एंड एक्सप्रेस दिस मैट्रिक एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दिस कैन बी इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये किसके बराबर होगा? सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होगा. तो मैंने लेट किया कि मैंने इस मैट्रिक्स को ए मान लिया. नाउ आई विल रिप्रेजेंट दिस एज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो अगर ए एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा हमारे पास, तो ए इज इक्वल्स टू, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमें पता है ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है, एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. और जो ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है, और जो उसका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा. ये बेटा प्रूफ्ड हमारे पास जनरल रिजल्ट है, सिमेट्रिक हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड स्क्यू सिमेट्रिक हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. इसका मतलब आपको अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करने को बोला है तो आपको ये दो टर्म्स निकालकर दोनों को प्लस करके लिख देना है, देन दिस मैट्रिक्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो सबसे पहले मैं निकालता हूं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज. तो सिंपल ये बेटा 1/2. नाउ ए मैट्रिक्स इज 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5, 1 - 2, एंड हमारे पास जो बेटा ए है, ए का जो ट्रांसपोज होगा वो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5, 1 - 1, 2, 1 - 1, 2. So this will be a sum of, this is A plus A transpose. तो ये A है और ये हमारे पास A का क्या है, transpose है. So now I will solve this half. So it will come to be a 3 + 3 - 6 - 2 + 3 - 1 - 4 + 1 - 3. 3 + -2 - 1 - 2 + -2 - 4 -5 + 1 - 4 1 - 4 - 3 - 1 - 5 - 4 2 + 2 - 4. सो दिस इज हाफ 6. तो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो दिस विल बी 3 - 1/2 - 3/2 - 1/2 - 2. ये हाफ अकेले अकेले टर्म के साथ, दिस इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद मैट्रिक्स हमने किया था. दिस इज -2, दिस इज -2, दिस इज -3/2. बेटा अकेले अकेले टर्म से डिवाइड कर दिया मैंने, सो दिस विल बी 2. सो दिस इज हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज. इन अ सिमिलर वे आई विल फाइंड आउट हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज एंड देन यहां पर मैं उसको पुट कर दूंगा बेटा. सो दिस इज हाफ, ये मेरा सिमेट्रिक हो गया, मैं यहां पे लिख लेता हूं बिकॉज मुझे बाद में इसकी जरूरत होगी. सो आई विल एरेज, जो रिमेनिंग मैं एरेज कर दूंगा. मुझे निकालना है ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो मुझे माइनस करना है. सो आई विल सॉल्व दिस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज. नाउ मैं थोड़ा सा उसी में चेंज कर लिया बेटा, टाइम बचाने के लिए आपका. सो दिस इज माइनस, तो नाउ 3 - 3 - 0, -2 - 3 - 5/2, -2 - 3 - 5, -4 - 1 - 5. देखिए ध्यान से, 3 - - +2 - 5, -2 - -+2 - 0, then this is -5 - 1 - 6, 1 - 4
1 minus minus 4, this comes to be 5, minus minus plus, 4 plus 1, 5. This is minus minus plus 5 plus 1, 6. 2 minus 2 is 0. So this is your half A minus A transpose. ये बेटा मैंने symmetric वाला लिखा हुआ है, तो इसको भी मैं छोड़ूंगा भी. तो मैं इसको solve करता हूँ. It comes to be a 0 by 2, 0, minus 5 by 2, minus 5 by 2, 5 by 2, 0 by 2 is 0, minus 6 by 2, minus 3, 5 by 2. Then this comes to be a 6 by 2, 3. This is 1 by 2 into 0. तो ध्यान से लिखिए कि यहाँ पे मेरे पास half a minus a transpose मेरे पास निकल गया. So this is basically a, तो this is symmetric and this is ये symmetric और ये क्या हमारे पास है skew symmetric. So I will मैं इसको यहाँ पे represent कर दूँगा. Now what I will do is इसको erase करिए. So बताइए मेरे पास symmetric क्या आया था. So this is half a plus a transpose cancel मेरे पास ये था. As I think 3, so यहाँ पे था मेरे पास this is 3, 1 by 2, minus 3 by 2, 1 by 2, minus 2, minus 2, this is 2, minus 2, minus 3 by 2, this is symmetric or plus half of A minus A transpose, which is here. तो जो हमारे पास आया 0, minus 5 by 2, minus 5 by 2, 5 by 2, 5 by 2, 0, 3, minus 3, 0. ये हमारे पास ये है. So this will be our answer. तो मैंने इसको sum of symmetric और skew symmetric matrix में represent कर दिया है. तो किसी भी matrix को sum of symmetric and skew symmetric represent करना है, तो symmetric के लिए half A plus A transpose करते हैं, skew symmetric के लिए हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं. तो पहले मैंने हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, ए और ए ट्रांसपोज को प्लस कर दिया और उसका हाफ कर दिया विच इज सिमेट्रिक. देन मैंने निकाला हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, मैंने ए और ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड टेक इट एज हाफ, उसका हाफ किया एंड देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक और मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को यहां पे प्लस करके रख दिया. सो दिस इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Now, madam, almost this is algebra of matrix. जो main topics हैं हमारे वो खत्म हो चुके हैं और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक पीछे multiplication जो हमने सीखा है उसका multiplication का एक simple सा theorem कह सकते हो आप या एक general result मैं आपको बताना चाहता हूँ. वो result ये है कि अगर दो matrix हमारे पास null matrix नहीं भी है, for example like these are two matrix A and B. So आप देखिए मैंने दो matrix लिए, these are not null matrix. Null matrix क्या होता है बेटा? Null matrix इसके सारे element zero हो. But यहाँ पे सारे element zero नहीं है, यहाँ पे भी सारे element zero नहीं है. So A and B are not null matrix. But I am going to find the AB. तो मैं यहाँ पे AB find out करने लगा हूँ. So AB means matrix multiplication. So let us do it. So now solve this. 0, 1 is 0, 2 into 0, 0, this row with this column 0, this row with this column 0, this row with this column 0. So but AB is 0, so 2 cross 2. देखिए अगर दो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है, देयर आंसर कैन बी अ नल मैट्रिक्स. सो दिस इज प्रूव्ड हियर. इफ टू वेक्टर्स टू मैट्रिसेस are not null matrix but their result can be, result means product, their product can be a null matrix, can be a null matrix. और इसके साथ साथ ही एक थ्योरम और वेरीफाई करूंगा, दैट इज इफ आई फाइंड बी ए ओवर ए. सो बी ए को आगे रखते हैं बेटा, 1 0 0 0, देन 0 2 0 0, डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बेटा. दिस रो विद दिस कॉलम 0, दिस रो विद दिस कॉलम 2, 2 1 2, 0 into 0 0.
this row with this column, all elements are 0. This row with this column, 0 into 2, 0, and 0 into 0, 0. So this is BA. So you can see here BA is not equal to AB. हमें ये तो पता है, हमने पहले कर लिया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ कॉम्बिनेटिव, बट आप यहां पे ध्यान से एक चीज देखिए, जिस AB को मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स आया था, सो दैट BA कैनॉट बी अ नल मैट्रिक्स. इट इज नॉट नेसेसरी इफ AB इज अ नल मैट्रिक्स देन BA विल आल्सो बी अ नल मैट्रिक्स. इट इज नॉट नेसेसरली. सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. कीप subscribing our channel beta and download our app Dreams Coaching Institute from Play Store and beta hamare Google pe jaiye aap feedback de sakte hain apni. Thank you so much beta.